हेलो बच्चों, तो देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस इज। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या की कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे वो देखते हैं। इसमें की कंसेप्ट यूज़ करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की IUPAC नेमिंग जैसे करते हैं वैसे करनी है। इसमें सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं लीगेंड्स का। लीगेंड्स का लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे। प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। देखो इसमें इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, एंड इसको क्लोराइडो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम ओके। फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी निकालनी है तो एक्स लेट कर लिया। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो ज़ीरो, एंड क्लोराइड की -1 होती है, इट बिकम -2, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, +2, और ये आपका नेम हो जाएगा IUPAC इस कंपाउंड का। तो देखो इसमें आंसर क्या दे रखा है, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।